तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हों। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते। औद्योगिक उत्पादन हिंदुस्तान का 1947 में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10,00,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है, तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, ये सिद्धांत ही गलत है। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी 450 या 500 साल पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है। और वो सिद्धांत ये हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है, जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है। अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है, पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी है, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है, जर्मनी की बढ़ी है, जापान की बढ़ी है, चाइना की बढ़ी है, और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। लेकिन देखने में यह आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में 3 गुनी बढ़ी है, उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में 1,000 गुनी बढ़ चुकी है। गरीबी नहीं बढ़ी है, अमीरी बढ़ी है। जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग 2 गुने से कुछ ज्यादा हो गई है, वो अमेरिका में पिछले 55 वर्षों में अमीरी लगभग 1,000 गुनी बढ़ चुकी है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए? और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए? क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं, सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधा करते। अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थ्योरी है, कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है, लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में यह देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहां जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, डेनमार्क नाम का एक देश है, स्वीडन नाम का एक देश है, नॉर्वे नाम का एक देश है, वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती हैं। और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता है, और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है, ऑफिसर हो जाता है, चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती। अब डेनमार्क की सरकार, नॉर्वे की सरकार, स्वीडन की सरकार, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती हैं और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। यहां हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो? अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई? या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने। और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमियां बैठी हुई हैं जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं। और यह सिद्धांत जिसको दुनिया में 450-450 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने, जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते, उसने कभी कह दिया था, वो हमने पकड़ के रख लिया। यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है, ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है। और भारत की गरीबी का संबंध क्या है, एक दिन यह मेरे समझ में आया
मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था। मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ध्यान चलाती है, ऐसा क्यों है आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और काम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सकें। तो मैंने कहा, यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए। तो मैंने कहा, यह कैसे होने वाला है? भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सांवले लोगों की संख्या कम होती जाए, ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं राजीव भाई, बात कोई दूसरी है। तो मैंने पूछा, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। तब एक वैज्ञानिक ने बहुत छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसने कहा कि देखिए, बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए हैं और ये बिल्कुल सच बात है। कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे, यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका है संसाधनों के मामले में, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में। और इतना ही नहीं है, मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है। यूरोप में साल में 9 महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को, धूप के लिए लोग तरस जाते हैं, और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट कर धूप का आनंद लेते हैं। भारत में आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, जहां भी दरिया का किनारा मिल गया वहां यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े खोलकर समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। उनको धूप चाहिए, वो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए वो दूसरे देश में भागते फिरते हैं। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है, बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है, आज बारिश हो रही है, अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए, फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए, इतना अनिश्चित मौसम है। जितना निश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा, और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की हो, बड़े आराम से हुआ करती। और कई देश तो ऐसे हैं जहां साल में 6 महीने खेतों में बर्फ ही बिछी रहती है, तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है, जीवन बहुत मुश्किल है वहां का। तो वहां के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूं। उसने कहा, राजीव भाई, आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है, आपको शायद ये भी मालूम है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं, खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अगर आपके देश की, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे, हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हम आपको ये शिखामण देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाए और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाए ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता रहे। इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए जो यूरोप में नहीं होता, यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए, हमसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, मखाने चाहिए, मुनक्का चाहिए जो उनके देश में नहीं होता, उनको बहुत सारी ऐसी खाने, उनको चाय चाहिए, उनको कॉफी चाहिए जो उनके अपने देश में नहीं होती, उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती हैं या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में होती हैं। तो वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें जो करना है वो हम करते जाएं। ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़कर देखते हैं। आपको कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का, खासकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में, और आप वहां जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, हमारे देश की जनसंख्या बढ़े, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है, वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती हैं। हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है, काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं।
एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे हजार गुना ज्यादा पैदा करता है। मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब भी पैदा हुआ और 80 बरस तक अगर मैं जीवित रहूं, तो जब से मैं बचपन से एक बरस का हुआ और 80 बरस तक मेरा जीवन चले, तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा। और अगर मैं 5 एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज 18 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक, तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा, उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा। तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो 2.5 से 3 टन, बहुत अधिक तो 4 टन, बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो 5-5.5 टन। आप कल्पना करो कि कोई मजदूर 10 टन खाएगा। और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं 18 बरस की उम्र से काम करूं और लगभग 60 बरस की उम्र तक 5 एकड़ खेत पे काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो, तो मैं 30,000 टन उत्पादन कर सकता हूं। 10 टन में खाना खाऊंगा, 30,000 टन पैदा करके जाऊंगा। अब बताओ, खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा? मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है, उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है। और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना, वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके? और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है, ये तो वरदान है हमारे लिए। आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए। चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती है। चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने। तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, ये सिद्धांत क्यों नहीं चल सकता? कारण उसका एक है, और कारण वो बिल्कुल सीधा है। चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है। भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है, बस इतना ही फर्क है। हमारे देश की पूरी व्यवस्था, वो चाहे आर्थिक हो चाहे पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था हो, ये आज ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिले। और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। हम हिंदुस्तानी लोग मास प्रोडक्शन के चक्कर में फंस गए हैं और चाइना के लोग प्रोडक्शन बाई मासेस के चक्कर में फंसे हुए हैं। ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन, हिंदुस्तान में कम लोग द्वारा ज्यादा उत्पादन। तो हम चूंकि कम लोगों से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में ऑटोमाइजेशन की बात है, कंप्यूटराइजेशन की बात है, सेंट्रलाइजेशन की बात है, और चीन में इसका ठीक उलट है। ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन तो उनके यहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है। हिंदुस्तान में उसका ठीक उल्टा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है। हमारी व्यवस्था गड़बड़ है, लोग गड़बड़ नहीं है। जनसंख्या हमारी बढ़ गई है तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है, हमारी व्यवस्था निकम्मी और नकारा है जो बढ़े हुए लोगों को काम नहीं दे पाती, और फिर हम उनको गालियां देते हैं कि ज्यादा लोग पैदा हो गए इस देश में। अगर आप हर हाथ को काम देने की एक व्यवस्था बनाकर इस देश में लगाएं तो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आपको बेकार बैठा नजर ना आए, और एक समय ऐसा आए कि हर आदमी की आपको जरूरत लग जाए कोई ना कोई काम के लिए। और आप जानते हैं कि दुनिया के सब काम हाथों से ही हुआ करते हैं, कंप्यूटर भी हाथों से ही चला करता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं चला सकता कभी भी, कंप्यूटर चलाने के लिए भी किसी का दिमाग लगता है और किसी के हाथ लगते हैं। और आप जो दिमाग और हाथ ईश्वर ने आपको दिया है उसी को अभिशाप मानकर बैठे रहे हैं, तो ये तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये हमारी समझ का फेर है, हमारी बुद्धि का फेर है। और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कैसे है? ये परदेशों से आने वाला जो विचार है जिसने हमको उड़ा दिया है एक हवा में, हम हमारी जमीन पर नहीं है, परदेशी विचार की जमीन पर हैं। अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं। हम अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोचकर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है। आजादी के 55 वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है
अमीरी नहीं मिल सकती, और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को जो शायद 1% भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के। हो सकता है हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग बहुत अमीर हों, लेकिन 99 करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे। व्यवस्था हमारी ऐसी है, और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है, जो हमको गरीबी ही देती है, बेकारी ही देती है, भूखमरा ही देती है, ये व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है, जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था, उसको हम तोड़ नहीं पाए, और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है। अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं, अपने लोगों को कोसते रहते हैं। व्यवस्था की गलती, व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना बंद हो चुकी है। मुश्किल हमारी व्यवस्था में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। 1947 के साल में स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या मात्र 3 से 3.5 लाख के आसपास थी। आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सवर्ब जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ से थोड़ा कुछ कम है, 9 लाख के आसपास है। तो 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या अब 9 लाख हुई है 55 वर्षों में। तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो, क्योंकि 3.5 लाख की बस्ती अगर 9 लाख हो गई तो बस्ती वधारा लगभग 30 गुना हो गया, तो 30 गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड में पिछले 55 वर्षों में 10,000 गुनी अमीरी आई है, गरीबी नहीं आई है। 10,000 गुनी अमीरी आई है स्विट्जरलैंड पिछले 55 वर्षों। स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी है। तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है, स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है, ये चक्कर क्या है? चक्कर ये सीधा सीधा है, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लक्ष्मी आती है, और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्ष्मी जाती है। यहां से लक्ष्मी जा रही है, स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है। जहां लक्ष्मी आती है संपत्ति आती है, धन आता है, वहां अमीरी आती है, और जहां से लक्ष्मी चली जाती है वहां संपत्ति चली जाती है, धन चला जाता है, गरीबी आ जाती है। सीधा सा खेल है। एक बार मैं शंकर और पार्वती का किस्सा पढ़ रहा था। गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही हैं ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से। तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है, और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है। सीधा सा है। तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब है, और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है। अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे, वो ये कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है, इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है। आप पूछोगे कैसे जा रही है? भारत से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है, और उसमें इतना डॉलर बहता है, इतना रुपया बहता है, आपकी कल्पना के बाहर। यह जो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है इसमें तेल नहीं जाता, पानी नहीं जाता, दूध नहीं जाता, इसमें रुपया बह के जाता है। और वो पाइपलाइन चूंकि सीधे स्विट्जरलैंड जाती है तो वो सीधे की सीधे वहीं खुलती है। वो